आज रेजरेक्शन डे है. Today is resurrection day, पुनरुत्थान का दिन. और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की उस फतह और जीत को मनाने के लिए हम यहाँ पर हैं. और पर and we are here to celebrate the victory of Jesus Christ. और फर्क फर्क तरीके से बच्चे और choir और अलग अलग तरीके से इस celebration को मनाया जा रहा है. And you can see that children in different ways along with the worship team in different songs have been trying to celebrate with you this resurrection. हमारा मुख्य मकसद यही है कि खुदावन की उस फतह उस जीत को एक्सपीरियंस करें और उसकी जयकार कर सकें. And the main motive is that we would experience the victory of God and celebrate it and praise his name for it. चंद शब्दों में और चंद उन हवालों में और प्रभु यीशु मसीह के जूठने के तुरंत बाद जो हुई घटना के बारे में हम पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग उसकी कुछ आशीष को ग्रहण कर सकें. In a few words, looking at a few scriptures, we're going to look at the events right after Jesus' resurrection so that we would be able to celebrate. यूहन्ना की अंजील उसका 20 अध्याय उसकी 19 आयत से लेके कुछ आयतें हैं उसकी ओर ध्यान करेंगे हम लोग. The Gospel according to John chapter 20 verse 19 onwards, we're going to look at a few things. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसकी 19 आयत से लेके 19 आयत से लेके चंद हवाले हैं उसकी ओर ध्यान करेंगे. The Gospel of John chapter 20 verse 19 onwards you're going to look at a few verses. आप सबके शुक्रगुजार हैं पिछले दिनों में जो आपने दुआएं की पास्टर बाबू थॉमस आप सबको उसका थोड़ा सारांश बताया है कि किस तरह से हम लोग जब मिशन फील्ड में थे खुदावन हमें इस्तेमाल कर रहा है आपकी दुआओं की वजह से. We want to thank every one of you. Pastor Babu Thomas gave you a quick summary of what all God has done. We want to thank you for all your prayers for the success of the mission in India. हम कई शहरों में और कई गांव में और कई जगहों में हम जा सके प्रभु के नाम का ऐलान कर सके. We went to various places, churches and towns and villages and did the word of God and spread the word of God. और खुदावन जो फतेहमंद विजयी खुदावन है आज भी वो ऐसे काम कर रहा था जो पहले करता रहा है. And our God who is the victorious God even today has been doing the same things as he used to do few thousand years ago. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसकी 19 आयत इस प्रकार से लिखा हुआ है. In the Gospel according to John chapter 20 verse 19 says जब हम लोग पढ़ी लेते हैं उसको मैं चाहूंगा कि आप हम दोनों के पास अंग्रेजी है कोई भी जन हिंदी में पढ़ लीजिए. Somebody read it in one of the ethnic languages. उस दिन जब सप्ताह का पहला दिन था यानी कि रविवार का इतवार का दिन था. That day which was the first day of the week meaning it was Sunday. हां जी बाइबल में बार-बार रविवार को इतवार को कहा जाता है जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे उसके बाद जब कभी भी कलीसिया या शागिर्द बात करते थे तो वो इतवार या रविवार नहीं कहते थे वो कह देते थे कि प्रभु का दिन. You'll see this repeatedly in the Bible after the resurrection of Jesus on the first day of the week. The disciples and the church would meet together, but they would not call it Sunday or Ravivar in, as we say in Hindi. They used to call it the first day of the week. तो ये कभी कभार वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है सोमवार को पहला दिन मान लेते हैं. You know, sometimes in the Western world they think Monday is the first day of the week. पर बिब्लिकल जो लैंग्वेज है उसमें अगर आप पढ़ें तो इतवार का दिन जो है वो पहला दिन माना जाता है. But if you read the biblical language and account, you'll realize that the first day of the week is Sunday. जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे the day where the Lord Jesus rose up from the dead. लिखा जिस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था दरवाजे बंद थे. हाँ जी बहन आगे पढ़ते जाइएगा. जी जी काफी है हाँ जी काफी है थैंक यू. पहला काम जो इस जगह पर हम देखते हैं द फर्स्ट वर्क ऑफ जीसस दैट वी सी एट दिस प्लेस जब सब दरवाजे बंद थे व्हेन ऑल द डोर्स वर क्लोज्ड वो बड़े डरे हुए थे दे वर फियरफुल बड़े वो खौफजदा थे दे वर अफ्रेड तो उन्होंने पहला काम जो महसूस किया द फर्स्ट थिंग दे एक्सपीरियंस जिसे लोग ईस्टर कहते हैं हम ज्यादा रेजुरेक्शन कहते हैं द सेम थिंग दैट वी कॉल ईस्टर दैट अदर पीपल कॉल ईस्टर एंड वी कॉल रेजुरेक्शन पुनरुत्थान प्रभु यीशु के जी उठने की बात है ये द रेजरेक्शन मीनिंग द राइजिंग अप ऑफ जीसस फ्रॉम द डेड शागिर्द डर के मारे घर के अंदर बैठे हुए थे द डिसिपल्स आउट ऑफ फियर वर हाइडिंग बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स तो पहला काम उन्होंने क्या देखा है व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दे एक्सपीरियंस्ड लिखा है प्रभु यीशु मसीह उनके सामने आकर खड़े हो गए हैं इट सेज दैट जीसस मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट राइट इन देयर मिडस्ट पहला बात जो उन्होंने महसूस किया द फर्स्ट थिंग दे एक्सपीरियंस्ड दे have experienced the presence of Jesus. उन्होंने यीशु की हजूरी का अनुभव किया पहला काम जो उन्होंने देखा है the first work that they saw प्रभु यीशु मसीह हूबहू बिल्कुल शक्ल सूरत
शरीर में उनके सामने आकर खड़े हो गए। The Lord Jesus himself in body and recognizable face was with them. He was present there. वो रूह में नहीं थे बस। He was not in his spirit only. बल्कि रूह जिस्म जान पूरे तौर पर उनके सामने आकर खड़े हो गए। He was there in his completeness, in his body, in his soul, in his spirit. He was present. They had encountered the personal presence of Jesus Christ. उनका अनुभव आमना सामना हुआ यीशु मसीह के व्यक्तित्व से उनके अपने शरीर के साथ। उस घटना को ही resurrection कहते हैं। And that event is called resurrection. जी उठना, पुनरुत्थान होना। To rise up from the dead, to be resurrected. रब यीशु मसीह जो हैं साक्षात रूप पर उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। That the Lord Jesus Himself in body was present there. His presence was felt. रब यीशु मसीह की हजूरी को, presence को encounter करना, महसूस करना। Where they encountered and experienced the very presence of Jesus. पहले सारे शिक्षक डरे थे। First, all the disciples were afraid. इस घटना के बाद सारे शिक्षक बड़े दलेर हो जाते हैं। But right after this event, all the disciples become bold. बड़े हिम्मती हो जाते हैं। They become courageous. सारे के सारे शिक्षक जो हैं, वो शहीद हुए हैं इस वजह से क्योंकि उनको दलेरी मिल गई। And all the disciples were martyred, and they were able to face that because of this event that gave them the boldness. Good Friday से वो डर गए थे। On Good Friday onwards, they were afraid. वो छुप गए थे। They were hiding. कमरों के अंदर थे। They were inside closed doors. पर resurrection और पुनरुत्थान की वजह से वो बाहर जाने लगे। But because of the resurrection, because Jesus rose up and showed himself to them, they came out. वो कई देशों में गए। They went to various nations. कई वो जगहों में जाकर उन्होंने प्रचार किया। They went to different places and preached. संत थोमा यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक जन है हिंदुस्तान में जाकर उन्होंने प्रचार किया। And one of the 12 disciples, apostles of Jesus Christ, his name is Saint Thomas, went all the way to India and preached. हम सबको पता हो कि हिंदुस्तान में पैगाम जो है वो किसी गोरे ने या किसी इंग्लिश मैन ने नहीं लेके गए हैं, सबसे पहले थॉमस यीशु मसीह के शिष्य लेकर गए। We should all know that the word of God, the gospel, was not brought to India by a white missionary or an English British person. It was by the apostle of Jesus Christ. His name was Thomas. Would you say amen? Amen. हमने फर्स्ट हैंड गॉस्पल रिसीव किया है। We received the gospel first hand. खुद यीशु मसीह के शिगिर्द के द्वारा से। The very apostle of Jesus Christ came to us. उस वजह से क्योंकि वो उन्होंने पुनरुत्थान को रूबरू देखा था। And the reason of that was because he had seen an eyewitness account of the resurrection of Jesus. यीशु के अंदर वो सामर्थ्य थी कि वो अपने आप को जिंदा कर सकते थे। Because Jesus had the power to raise himself from the dead. उन्होंने उस पावर को महसूस किया। They experienced his power. उन्होंने उस सामर्थ्य को देखा। They saw the power. यीशु सिर्फ कहते नहीं हैं, बल्कि जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। That Jesus does not just speak and promise what he says, he shows and he does it. कहते थे कि मैं अपनी जान देता हूं क्योंकि इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं वापस लेने की ताकत भी रखता हूं। Jesus has said, I give my life because I'm able to take it up again. 19 आयत का पूरा हिस्सा कर दीजिए। Let's read the full verse of verse 19. क्या उन्होंने महसूस किया है? What did they experience? यीशु क्या कहते हैं 19 आयत में लिखा हो? हां जी, तुम्हें शांति मिले। And Jesus said to them, peace be with you. उन्होंने प्रेजेंस को महसूस किया है। They experienced his presence, उसकी हजूरी। उन्होंने उसकी पावर को महसूस किया है। And they experienced his power, उनका सामर्थ। Thirdly, वो कहते हैं कि तुम्हें पीस मिले। उन्होंने उसकी शांति को महसूस किया। And the third thing they experienced was his peace upon them. क्योंकि बड़े उलझाए हुए थे। Because they were so confused. बड़े डरे हुए थे। They were so fearful. बड़ा उनके अंदर उथल-पुथल चल रहा था। There was great turmoil within them. बड़ी गड़बड़ी चल रही थी। There was great confusion. यीशु आते ही उन्हें कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। And that's why Jesus comes to them and says, Peace be unto you. ऐसी शांति जो जगत तुम्हें दे नहीं सकता है। The kind of peace that the world cannot give. मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। I give you my peace. अपना चैन तुम्हें देता हूँ। I give you my comfort. अपना अमन तुम्हें देता हूँ। I give you my joy. तो प्रभु यीशु मसीह हमें दिव्य पीस देने के लिए आए हैं। Because Jesus came to give us divine peace. शांति जो प्रभु की है, The peace that is of God, वो किसी आसन से करने से नहीं मिलती है। You cannot get it by sitting in a certain posture. किसी दौड़ भाग करने से, ऊंचाइयों और गहराइयों से नहीं मिलती है। You don't get it by running around or climbing a great height or going down into a deep depth. तपस्याओं करने से नहीं मिलती है। You don't get it by meditation. शांति सिर्फ वो दे सकता है जिसके पास शांति है।
Only he who possesses peace can give you peace. खुदावन यीशु के नामों में से उसका एक नाम है शांति का राजकुमार. One of the names of the Lord Jesus Christ is the Prince of Peace. तो आते उन्होंने पहला ऐलान किया. And that's why as soon as he came in their midst, he made a declaration. दुआ नहीं कर रहे थे. He was not praying. वो डरे हुए थे. They were not praying, they were afraid. छुपे हुए थे. They were hiding. तो उस समय खुदावन ने उसे कहा. And so Jesus tells them, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ. My peace I give to you. मेरी शांति तुम्हारे साथ बसेरा करे. My peace be upon you. और इसे amen. Amen. कि हमें ढूंढने नहीं पड़ती है. That we don't have to go searching. यीशु के नाम को पुकारने से. Just by calling on the name of उसके Jesus. उसके नाम को पुकारने से. By calling on the name of खुदावन Jesus. खुदावन की शांति अपने आप हमारे God's पास आती. God's peace comes upon us. Hallelujah. Amen. हमें शांति पाने के लिए कुछ और कुछ करने की जरूरत नहीं है. To receive peace, you don't have to do anything else. Resurrection या ये जो Easter Sunday हमें बताता है कि यीशु मसीह हमारे लिए शांति लेकर आए हैं. The day of resurrection, this Easter Sunday declares to us that Jesus has given us his peace. आयत कहती है, verse 20 says, जैसे उन्होंने यीशु मसीह को देखा, as they saw Jesus, उसे जिंदा हुआ जी उठा देखा, as they saw him alive, यीशु ने अपने हाथ और पांव उनको दिखाए, Jesus showed them his hands and his feet, अपने साइड दिखाई उसने उनको, and he showed them his side, तो वो बड़े आनंदित हुए. And they were overjoyed. बड़े glad हुए वो लोग. They were so glad. और खुदावन की स्तुति करने लगे. And they began to praise and worship God. उन्होंने praise को महसूस किया वहाँ पर. They experienced praises. उन्होंने खुदावन की स्तुति गान को महसूस किया. They experienced the praise and worship and honor of God. आनंदित हुए और खुदावन की प्रस्तुति करने लगे. They were so joyful. They began to praise God. Resurrection जी उठने के साथ आराधना साथ आती है. Along with resurrection, the rising up from dead comes praise unto God. Would you say amen? Amen. उस छोटे रूम में, उस छोटे कक्ष में, उन दिनों ने, उन सब ने खुदावन की आनंद को, उसकी स्तुति को महसूस किया. In that little room behind closed doors, they all experienced that joy and the praises of God came out of them. Daud kehta hai, I was glad when they said unto me, let's go into the house of the Lord. David says, main khush hua jab mujhse kaha aao parmeshwar ke ghar chale, uske bhavan mein chale. Main bahut anandit ho gaya. He says, I was glad. मैं बहुत खुश हुआ कहते हैं. I was very pleased. क्योंकि मुझे पता है मैं खुदावन की प्रस्तुति करने जा रहा हूँ. क्योंकि मैं जानता हूँ मैं परमेश्वर की प्रस्तुति. I'm going to go praise and worship my God. स्तुति आराधना से आनंद मिलता है. Because when you praise and you worship, you have joy. उस दिन वो लोग आनंदित होने लग गए. Right that day, they were getting all joyful. 21 आयत बताती है हमें आगे पढ़ते हुए. Verse 21 tells us. प्रभु यीशु उनसे कहते हैं. The Lord Jesus says to them. मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ. My peace I give to you. जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें भेजता हूँ. Just as the Father has sent me, I also send you. They have experienced the promotion in Christ Jesus. यीशु मसीह ने उनको प्रमोट किया है, उनको आगे बढ़ाया. Hallelujah. Hallelujah. What they have experienced now? अभी क्या अनुभव कर रहे हैं? Not only power. सिर्फ शक्ति नहीं. Not only peace. सिर्फ शांति नहीं. They have experienced the promotion in Christ Jesus. अब उनकी बढ़ोतरी हो रही है, उनका प्रमोशन हो रहा है. यीशु क्या कहते हैं? What is Jesus saying? जैसे मुझे स्वर्ग से भेजा गया है, as I've been sent by the Father from heaven, मैं आपको भेजता हूँ. I send you. एक नई प्रमोशन हो रही है उनको. They're being promoted. बिल्कुल यीशु मसीह जैसा रुतबा मिल रहा है उनको. They're getting the same honor and position as Jesus. बिल्कुल वैसे जैसे मुझे भेजा गया है. Because Jesus says, just as the Father has sent me, I'm sending you. नौकरों की तरह नहीं भेज रहा हूँ. I'm not sending you as my slaves and servants. मैं अपने ऐसे काम करने वाले employees की तरह नहीं तुम्हें भेज रहा हूँ. I'm not sending you as employees who will work for me. बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मुझे स्वर्ग से भेजा गया है. Just as I have been sent from heaven. मैं वैसे तुम्हें भेजता हूँ. That's how I sent you. एक नई प्रमोशन उनको मिल रही है. They're getting a new promotion. आत्मिक अपग्रेड हो रहा है उनको. They're getting upgraded spiritually. जब आप यीशु के साथ एनकाउंटर होते हैं. When you meet Jesus, encounter उसकी him. उसकी शांति हमारे अंदर आती है. Then his peace comes upon उसकी you. उसकी सामर्थ हमारे अंदर his आती है. His power comes upon you. उसकी शक्ति हमारे अंदर आती है. His power comes upon you. एक नया अपग्रेड होता है. And you get upgraded. आप खुदावन में प्रमोट होते हैं. You get promoted in the Lord. एक उन्नति होती है. तरक्की होती है. You get promoted. खुदावना आपको ऊंचा करता है. God raises you. Would you say amen? Amen. हम बैठे नहीं रहते हैं. You don't just get stuck in one place. हम उछलने लग जाते हैं. You begin to jump. हम गवाही देने लग जाते हैं. You begin to witness. बच्चे गा रहे थे. The children were saying. कि मैं पागलों की तरह नाचूंगा. That I'm gonna dance like a madman. बिल्कुल ऐसे बिना सोचे समझे. Without thinking about my dignity. वो ऐसा ही हो रहा था.
That's what was happening. कोई इधर नाच रहा था, कोई इधर जा रहा है, कोई पहले खत्म होते जा रहा था. You know, someone was running here, someone was running there. One child even ran off before the dance was over. ये गीत वही बोल रहा है. That's what the song was saying. पागलों की तरह करना है मुझे. You gotta be mad about God. कोई order नहीं है. There's no order. मुझे बस जोश दिखाना है. I just have to show my zeal. मुझे बस आनंद दिखाना है. I need to show my joy. मुझे बस खुशी करनी है. I need to be happy. मुझे डांस करना है. I'm gonna dance. तो कभी-कभार ऐसे होना चाहिए. And that's how it should be sometimes. परवाह नहीं होनी चाहिए. परवाह नहीं होनी चाहिए. We don't have to worry. फिकर नहीं करना चाहिए. We don't have to care. जब आपको फतह और जीत का पता चलता है, when you know that you have won the victory, जब किसी को पता चल जाए, when someone finds out कि आप क्रिकेट में जीत गए हैं, that you have won in a cricket match, तो क्या होता है? What happens? आप धीरे-धीरे जाके बोलते हैं, भाई जीत गए जी. You walk somberly and say, oh, by the way, we won. ऐसा नहीं होता है. That's not how you say it. जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, those who play cricket, उनका हालत देखो जरा. You should see their attitude. उनका जोश देखें. You should see their zeal. वो पागलों की तरह होते हैं. They become like mad क्या people. वो करते हैं? They do all kinds of things. कैसे वो हरकतें करते हैं वो लोग? Look at their behavior at that time. उनका हालत देखें, उनका behavior. You should see their situation, their condition. अगर आप मैच देख रहे हैं, now if you're watching a match, खुदावन यीशु शैतान पर फतह पा रहे हैं, that the Lord Jesus is defeating Satan, आप देख रहे हैं, you're watching it, खुदावन यीशु, that the Lord Jesus, मौत पर फतह पा रहे हैं, is defeating death, शैतान पर फतह पा रहे हैं, he is defeating Satan, हर तरह की बीमारी पर फतह पा रहे हैं, he is defeating every sickness, तो हमारा जोश थामा नहीं रहना चाहिए, then we should not be able to contain that joy, पागलों की तरह खुशी के साथ. We would have to be dancing around like madmen in joy. जैसे आपने मैच जीत लिया, just as you won the championship, कि आपको ट्रॉफी मिल गई, that you got the trophy, आपको वर्ल्ड कप मिल गया, you got the world cup. यही resurrection day होता है. That is the resurrection day. खुदावन ने फतह पाई है, that God has won the victory. हम उस खुदावन में, and we are in that Lord, फतह मन से बढ़कर है. We are more than conquerors. Hallelujah. 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 हम फतह मन से बढ़कर है. We are more than conquerors. और वो ये हो रहा है यहाँ पर. That's what's happening here. कि खुदा उनको प्रमोट कर रहा है. That God is promoting them. अपग्रेड कर रहा है. He's upgrading them. मैं तुम्हें भेज रहा हूँ. He says, I send you. अब बैठने का टाइम नहीं है. This is not the time to sit. जब मैच खत्म हो जाए तो आप स्टेडियम में बैठे रहे, तो उसका मतलब कि आप कुछ और काम करने आए हैं, आप मैच नहीं देखने आए हैं. If the match is over and you still sit in the stadium seats, means you were right. here for something else. जब मैच खत्म हो जाए, when the match is over, टीम जीत जाए, and your team wins, फिर वहाँ से भागना होता है. Then you need to get up and आपको move. कुछ करना होता है. You need to do something. आपको कुछ जश्न मनाना होता you है. You need to go celebrate. आपको आनंद करना होता you है. You need to be joyful. आपने कई लोगों को बोलना होता you है. You need to talk about आपको it to others. आपको फेसबुक में लिखना होता you है. You need to put it on your Facebook. आपको कईयों को फोन करना you होता है. You need to call people. कईयों के सामने आपने शेखी मारनी होती है. And you need to boast about it. आप कईयों जगहों पर बताना होता है. You need to tell others. कि आपने मैच जीत लिया है. That we won the match. Hallelujah. Hallelujah. एक प्रमोशन है. That's the promotion. प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, the Lord Jesus says, अब बैठने का टाइम नहीं है. This is not the time to sit. मैं तुम्हें भेजता हूँ. I send you. अब जाओ यहाँ से. Now go from here. छुपे नहीं रहना. Don't hide. डरना नहीं है. Don't be afraid. खौफज़दा नहीं होना है. Don't be fearful. अब आपका टाइम है. Now is your time. जाके कूदना है आपने. That you need to go out and jump and talk. कि यीशु जी उठा है. That the Lord Jesus is alive. उठा है. Jesus is alive. Hallelujah. Hallelujah. हमारा यीशु जी उठा है. Christ Jesus has risen. आखिरी बात. The last thing. 22 आयत में पढ़ते हैं जरा. Verse 22. And I promise, this is going to be the last thing. मैं सच कह रहा हूँ ये आखिरी बात है. Okay. Who's going to read that 22nd verse? Verse 22. Yes. हाँ जी. हाँ. Right. Now you see the provision of God. यहाँ आप देखते हैं कि कैसे यीशु उनके लिए मुहैया कर रहा है. They have experienced a new provision. एक नई चीज उनके लिए मुहैया की गई है जो पहले नहीं थी. Something that they did not have before. ठीक है. सिर्फ उनको अपग्रेड नहीं दिया है. Not only did Jesus upgrade them. उन्हें तरक्की नहीं दी है. Not only did he give them a promotion. उनको कहा कि तुम्हारे साथ मैं पवित्र आत्मा भेज रहा हूँ. He says, I'm sending with you my Holy Spirit. मैं अपनी खुद की रूह तुम्हारे साथ भेजता हूँ. My very own Spirit, I'm giving to you. मेरा अपना एडवोकेट तुम्हारे साथ भेजता हूँ. My advocate is going to be with you. अगर आपको पता हो ना, if you really know, कि आपका लॉयर जो आपके साथ है, that your lawyer is with you, और ऐसा लॉयर, and this kind of a lawyer, हर बार केस जीतता है, who has always won every case, हर बार जीतता हो आपका केस अगर, every time if he has a track record of winning,
तो यहां तक कि कोई क्रिमिनल भी नहीं डरता, उसे पता कि मेरा लॉयर संभाल लेगा मेरा। When even a criminal has that kind of a lawyer, he's not afraid. He knows the lawyer will take care of him. हर मुजरिम को अगर पता चल जाए उसके पास ऐसा लॉयर है कि हर बार जीतेगा। If a convict finds out that he has a lawyer who will always win the case, तो आपका चाल ढाल ही फर्क हो जाएगी। Then the way he moves around is going to change. यीशु मसीह उनसे कहते हैं, The Lord Jesus says, मैं अपना सहायक, मददगार, अपना लॉयर, अपना एडवोकेट तुम्हारे साथ भेज रहा हूं। I'm going to give you my helper, my advocate, who's going to be with you at all times. हर बार तुम्हें समझाएगा। He's going to teach you everything. गाइड करेगा। He's going to guide you. डायरेक्ट करेगा। He's going to lead you. सिखाएगा। He's going to teach you. बताएगा। He's going to tell you. जाहिर करेगा। He's going to reveal things to you. हम ऐसे खाली नहीं जाएंगे। We're not going to go empty. जोश में नहीं बस। Not just in fleshly zeal, बल्कि खुदावन की कुव्वत में, but in the power and the anointing of God. खुदावन यीशु से कहते हैं, Jesus says, एक नया provision आपके लिए बना रहा हूं मैं. I'm giving you a new provision. He breathed on them the Holy Spirit. उन पर यीशु ने अपनी सांस फूंकी और पवित्र आत्मा उन पर आया. कहा कि पवित्र आत्मा पाओ. That they would receive the Holy Spirit. पाक रूह को लेके जाओ साथ में. Take the Spirit of God with you. खुदावन हमें खाली नहीं भेजता है. The Lord never sends us empty. खुदावन हमें भर के भेजता है. God always fills us. सामर्थ और शक्ति के साथ. He fills us with His power and strength. उसकी कुव्वत और उसकी ताकत के साथ. With His might and strength, He sends us. Would you say amen? Amen. खुदावन हमें हमेशा भर के भेजता है. The Lord always fills us before He sends us. आज जब हम खुदावन के पुनरुत्थान को मनाने के लिए आए हैं. Today as we celebrate, संतुष्ट होके जाएं. You will be satisfied. कि खुदावन मेरे साथ है. That God is with me. तो मेरे खिलाफ कोई नहीं हो सकता. Then no one can stand against me. अगर खुदावन मेरे साथ है. If God is for me. तो मैं फतेहमंद हूँ. Then I am victorious. जीता हुआ हूँ. I have won the victory. खुदावन मेरे साथ है. If God is with me. तो मेरे खिलाफ कौन हो सकता है? Then who can stand against me? दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती. No power can stand against God. खुदावन आपके और मेरे साथ है. And God is with you and me. ये पुनरुत्थान और रसूरक्षण हमें बताता है. This is what the resurrection of Jesus tells us. मैं चाहूँगा हम पांव के बल खड़े हो जाएं. I want us all to stand up on our feet. Paul और अभिलाष सामने आ जाएं जरा. Brother Paul and Abhilash, come forward. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Pastor Timothy, would you come also, please? Hallelujah. पासबान Timothy भी आ जाएंगे सामने. Amen. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. खुदावन हमारे साथ है. खुदावन का अभिषेक हमारे साथ है. तो हम कमजोर, लाचार, यतीम नहीं हो सकते. God is with us, His anointing is upon us, so we are not weak, we are not helpless, we are not orphans. सर्विस खत्म नहीं हुई है. The service is not over. हम सर्विस के दूसरे सेगमेंट में एंटर हो रहे हैं. We are just entering the second segment of the service. कुछ और काम होने का है अभी. A new work has to be done. Amen. Amen. Pastor Timothy, please go ahead. I'm reading from 2 Corinthians chapter 9. दूसरे कुरिन्थियों के 9 अध्याय से मैं पढ़ रहा हूँ. And verse 8. आठवीं आयत. And God is able to make all grace abound towards you. परमेश्वर सारा अनुग्रह आपके लिए बहुतायत में ला सकता है. That you always. ताकि हमेशा. Have an all sufficiency in all things. हर चीज में भरपूरी पाकर. May abound to every good work. हर अच्छे काम में आप बढ़ें. When we became born again, even as we've heard about the resurrection, जब हमने नया जीवन पाया, जैसे हमने आज पुनरुत्थान के बारे में पढ़ा है, सुना है. All of our provision, हमारा सारा मुहैया. All of our finances, हमारी सारी आर्थिक बातें. All of our buying and selling, और हमारा सारा बेचना खरीदना. All of our giving and getting, हमारा देना और लेना. Is to be done in power. वो सब सामर्थ के साथ करना है हमें. By the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ. He empowers us, वो हमें शक्ति सामर्थ देता है. To operate, ताकि हम ऐसे काम करें. And to live, और ऐसे जिए. Based on His economy, जैसे हम उसके इकोनॉमी पे निर्भर हैं, उसकी आर्थिक बातों पर निर्भर हैं. Not the economy of the world, इस दुनिया के बातों के तरह से नहीं. This economy perishes. यहाँ की इकोनॉमी खत्म हो जाती है. Well, while God's economy continually increases. लेकिन परमेश्वर की इकोनॉमी हमेशा बढ़ती रहती है. So that power that God has given you. तो ये सामर्थ, ये शक्ति, ये कुव्वत जो खुदावन ने आपको दिया है. Is the power that you exercise. उस ताकत का आपको इस्तेमाल करना है. In your giving of tithes and offering. जैसे आप अपने दशवांश और अपने अर्पण को देते हैं. Every time you take that check or that money that you have in your hands. हर बार जब आप उस चेक को लेते हैं या उस पैसे को लेते हैं जो आपके हाथ में है. You are sowing.
तो आप बोने लगते हैं बैक इनटू द किंगडम परमेश्वर के राज्य में उसकी बादशाहत में गॉड परमेश्वर की बादशाहत में वेयर गॉड हैज प्लेस्ड यू जहां खुदा ने आपको रखा है टू वॉक इन डोमिनियन ताकि आप प्रभुता करें एन अथॉरिटी और आप अधिकारी बने सो ही एवरी टाइम यू सो अ सीड जब भी आप बीज बोते हैं इट मल्टीप्लाइज तो उसका गुणाकार होता है हजार गुणा उसका बढ़ोतरी होती है एंड ही सेज दैट ही मेक्स ऑल सफिशिएंसी कम टू यू और वो कहता है कि सारी भरपूरी वो आपको देता है यू डोंट थिंक लाइक द वर्ल्ड दुनिया की तरह ना सोचें योर सफिशिएंसी इज ऑफ गॉड आपकी भरपूरी परमेश्वर से आती है खुदा से आती है और वो भरपूरी एनेबल्स यू आपको ये कुव्वत देती है टू डू एवरी काइंड ऑफ वर्क इमेजिनेबल कि आप हर काम कर सके हर कल्पना आपको पूरा कर सके सो यू गो फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री तो फतह से फतह तक ग्रेस टू ग्रेस फजल से फजल तक पावर टू पावर और कुव्वत से कुव्वत तक इन जीसस नेम